spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit I welcome you to this program. इस प्रोग्राम में आपका मैं स्वागत करता हूँ. Everyone who is in this world, हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, their mind and heart is set on something. उनका मन किसी न किसी बात के ऊपर में लगा होता है. Many times it is in your business success. कई बार ये आपके व्यापार में होता है, आपकी सफलता में होता है. All your mind attention is on how to improve your business. आपका पूरा मन जो है उसका ध्यान केवल इसी बात पर होता है कि कैसे व्यापार को बढ़ाते चले जाएं. Sometimes it's on academics. कई बार ये आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर में होता है. And you want to progress and get all the degrees you can get. और आप उन्नति करना चाहते हैं, जितनी हो सके उतनी डिग्रियां हासिल करना and चाहते you want हैं. To be the top in your field. और आप जिस किसी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में सबसे ऊंचाई पर रहना चाहते हैं. ये अच्छा है. एंड मेनी पीपल गो अब्रॉड गेट एक्स्ट्रा डिग्रीज इन मेडिकल फील्ड, दे गेट मेनी मोर डिग्रीज अब्रॉड. और देखिए, बहुत से लोग जो है विदेशों में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और मेडिकल फील्ड में और भी ज्यादा बहुत सी डिग्रियों को हासिल करते चले जाते हैं. पीपल वांट टू बिकम रिच. और बहुत से लोग धनी होना चाहते हैं. सेट ऑल देयर माइंड एंड देयर हार्ट ऑन हाउ टू मेक वेल्थ. और वो अपना मन अपना दिल केवल इसी बात पर लगाते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए. एंड मेनी डू बिकम वेरी रिच. और कुछ भी हो, जैसे भी हो, जब वो बहुत धनी हो जाते हैं, many times through underhand meanings or dealings or whatever. और कई बार वो गलत तरीके से पैसे लेते हैं, गलत लेन देन करते हैं, जो भी हो, जिस तरह से धनी many हो जाते like to हैं. travel and go to so many places and they want to see the world. और फिर उसके बाद में पूरे संसार में घूमना चाहते हैं, बहुत सी जगह पर वो यात्रा करना चाहते हैं. They set their mind on different places and they go. और फिर अपने मन को वो अलग अलग जगह पर लगाते हैं और अलग अलग जगह पर जाते हैं. There are many just want to enjoy life. और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल जिंदगी का मजा लेना चाहते all हैं. The pleasures that life can give. और जीवन में जो कुछ भी मजा मिल सकता है वो सब लेना चाहते हैं. And they live a life of, ease and enjoyment. और वो बस आराम से बड़े आनंद से मजे करते हुए जीवन जीना चाहते हैं. But the question is, लेकिन सवाल after achieving ये है, all that, ये सब कुछ हासिल करने के बाद after that what? उसके बाद में क्या? You never think beyond that. वो उससे परे या उससे हटकर और कुछ नहीं सोचते. You reach your ultimate, you become a very rich man, you have everything, and then what? और फिर देखिए, आप सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं, सबसे धनी हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है? You become a very highly academically qualified man, you've done all that, but then you, every one of us becomes old, and then what? और फिर देखिए, हो सकता है कि आप बहुत सी पढ़ाई करें, बहुत कुछ डिग्री हासिल करें, हम सभी लोग बूढ़े होते हैं, उस वक्त क्या होगा? We don't live forever. हम सदा के लिए जीवित रहने वाले व्यक्ति नहीं. Every human being becomes an old person and dies. हर एक मनुष्य जो है वो बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है. And all that we have achieved, finally, what does it lead to? और जो कुछ भी हमने हासिल किया है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? You have become a very rich man. कहिए कि आप बहुत अमीर हो गए. But after you die, somebody else will enjoy it. लेकिन आपके बाद में कोई और उस धन संपत्ति का आनंद उठाता है. Or your house, somebody will live in it. और या फिर हो सकता है आपके घर में कोई और रहे. Business, somebody will run it. या आपका व्यापार कोई और चलाए. What about you? आपके बारे में क्या? Jesus gave a nice parable. यीशु ने बहुत ही अच्छा दृष्टांत हमें बताया है। I will title my message, What have you set your heart on? मैं अपने शीर्षक का नाम दूंगा कि आपने किस बात पर अपना दिल लगाकर रखा है। What have you set your mind on? आपने अपना मन किस बात के ऊपर लगाकर रखा Now, है? There is a parable in the Bible. देखिए, बाइबल में एक दृष्टांत है। Luke chapter 12. लूका अध्याय 12 में। I will read from verse 15. वचन 15 से मैं आगे पढ़ता हूँ, लूका 12। And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life does not consist in the abundance of things which he possesses. उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इस तरह वचन कहता है। And verse 16 and 17 it says, And he spake a parable unto them, The ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits.
वचन 16-17 इस तरह से कहता है, उसने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। And was 18 and 19 says, and he said, this I will do, I will pull down my barns and build greater barns, and there I will bestow all my fruits and my goods. And then I will say to my soul, soul, you have so much goods laid up for many years, take thine ease, eat and drink and be merry. और वचन 18-19 कहता, और उसने कहा, मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। इस तरह से ये वचन कहता है। And verse 20 and 21 says, And but God said unto him, Thou fool, this night your soul will be required of thee. Then whose shall all these things be which thou hast provided? So is he that lays up treasure for himself and is not rich towards God. वचन 20 और 21 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। See, people spend all their lives and spend all their effort in building up their own life on this earth. देखिए, लोग क्या करते हैं, अपने पूरे जीवन को, अपने सारे परिश्रम को इस पृथ्वी पर अपने जीवन को उभारने के लिए पूरी तरह से बिता देते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं। And they have plenty of things. और उनके पास में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। Big group of servants to help them. कि उनकी मदद के लिए उनके पास बहुत से नौकर चाकर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। And they have a big bank account. और उनके पास में बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा होता है। सिक्योरिटी, दे पुट लॉट ऑफ गार्ड्स अराउंड देमसेल्फ। और उनकी बड़ी सुरक्षा होती है, आसपास में बहुत से गार्ड्स होते हैं। बट दे डोंट रियलाइज दैट आफ्टर दिस लाइफ देयर इज समथिंग एल्स। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं कि इस जीवन के बाद में और भी कुछ होता है। मैन इज नॉट जस्ट गोइंग टू लिव फॉर 70 80 90 इयर्स। मनुष्य केवल ऐसा नहीं कि बस 70 80 या 90 साल तक अपना जीवन जीता चला जाए। देयर इज अ लाइफ व्हिच इज फॉरएवर एंड एवर आफ्टर दिस लाइफ। इस मृत्यु, इस जीवन के बाद में देखा जाए तो मृत्यु के बाद में एक और जीवन होता है। Many people who are only focused on this life are blind to that fact. और बहुत से लोग जो केवल इसी जीवन के ऊपर में गौर करते हैं, वो इस सच्चाई के लिए मानो पूरी तरह से अंधे हैं। And they don't know that most of that we do on this earth, we cannot take it to that life. और वो ये भी नहीं जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम करते हैं, इसमें से ज्यादा भाग हम उस जीवन में लेकर नहीं जा सकती हैं। It is said about the great warrior Alexander the Great. और सिकंदर महान जो योद्धा था उसके बारे में इस तरह से कहा जाता है, He was a mighty man of war. वो तो बहुत बड़ा शूर वीर था, योद्धा था। And his army conquered nations swiftly, they conquered many nations. और उसकी जो सेना है बड़ी आसानी से बहुत से देशों को जीतती चली गई थी। And he got fame and, you know, power and everything. और बहुत ही कम उम्र में वो बहुत ही विख्यात हो गया था और वो बहुत ही सामर्थी हो गया था। He conquered nations. उसने बहुत से देशों को जीत लिया when था। He was dying. लेकिन जब वो मर रहा था, that he kept his hand outside empty. कहा जाता है उसने कहा था कि मेरे खाली हाथों को ऐसे बाहर रखना। Because I have done so much, but I can't take anything. क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा। The condition of people who don't think beyond of this life. ये तो उन लोगों की दशा होती है जो इस जीवन से परे कुछ भी नहीं सोचते, दूसरे जीवन के बारे में नहीं सोचते। There is eternal life after this. इस जीवन के बाद में अनंत जीवन होता है। This life is physical, which is only for a short time. और ये जो जीवन है ये तो शारीरिक है और ये तो केवल कुछ ही समय के लिए होता है। Life expectancy now is even less than 70 for many people. और देखिए, अनुमान है 70 साल, लेकिन अभी इन दिनों में तो लोगों के लिए 70 साल से भी कम उम्र होती है। Very few go to 90. और बहुत ही कम लोग 80 साल तक जीते हैं और बहुत ही कम लोग 90 साल तक जीते हैं। After that you're gone. लेकिन उसके बाद में तो चले जाते हैं, खत्म होते हैं। And then you have to now face that eternal life that is ahead of you. और फिर उसके बाद में आपको उस अनंत जीवन का सामना करना पड़ता है जो आपके सामने में होता है। Either you spend eternity in heaven with God or eternity in hell with the devil. एक तो आप परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में अनंत काल बिताएंगे या फिर आप शैतान के साथ में नरक में अपना अनंत जीवन अनंत काल बिताएंगे। Jesus said, यीशु ने इस तरह से कहा है, People who are just laying up treasure on the earth, I mean he calls them a fool. देखिए, जो लोग इस पृथ्वी पर अपने लिए धन संपत्ति जमा करते रहते हैं उनको यीशु मूर्ख कहता है। We read about that man who said, I'll build more barns and store my things, bigger barns. God said, you fool.
और देखिए, हमने पढ़ा है कि इस व्यक्ति के बारे में जिसने कहा कि मैं अपने खत्तों को और तोड़ दूंगा और इस वहां पर अपने भंडारों को तोड़ूंगा और बड़े बड़े भंडार बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, टुडे इफ योर सोल इज रिक्वायर्ड वेयर विल यू गो, यदि आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू फिर कहां पर जाएगा? वेयर इज द गारंटी दैट यू विल लिव दैट लॉन्ग, इस बात की गारंटी क्या है कि तुम इतने साल तक जीवित रहोगे? यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो, आप कभी नहीं जानते कि आने वाले कल में क्या होगा। ऑफ एक्सीडेंट्स, और कई लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। Somebody is driving on the road drunk and he hits your car and you're gone. और कोई समझो कहिए कि शराबी कार चला रहा है, वो आपसे आकर टकराता और आपको मार देता है। People are on drugs and they will do something and take your life. कई बार जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जिसके कारण दूसरे लोगों की जान चली जाती है। Wicked people are everywhere. हर जगह दुष्ट लोग भरे हुए हैं। And there is wickedness in the world. और इस पूरे संसार में दुष्टता पूरी तरह से फैली so हुई है। So many young people are going at young age. और देखिए, बहुत से जवान लोग जो है बस कम उम्र में मरते जा रहे हैं। Have you thought about the life after this life? क्या आपने इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में कभी सोचा है? Jesus said, यीशु ने कहा, in Matthew chapter 6 verse 19 to 21, मत्ती अध्याय 6 वचन 19 से वचन 21 में यीशु ने इस तरह से कहा, Matthew 6:19 it says, lay not up for yourself treasure upon the earth where moth and rust corrupts and where thieves break through and steal. वचन 19 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, यहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुरा लेते हैं। But lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust corrupts and thieves do not break through and steal. परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न कोई काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। इस तरह से ये वचन कहता है, For where your treasure is, there your heart will be also. क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। And recently we have seen the changes in India. और हाल ही में हमने देखा है कि भारत में इतना बड़ा बदलाव आया है। And the old currency has been demonetized. और जो पुरानी जो नोट थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। So many people had black money in their houses. और बहुत से लोगों के घर में जो काला पैसा पड़ा हुआ था। And crores of rupees kept inside the under their beds and in their cupboards and in different places. और करोड़ों करोड़ों रुपए उनके बिस्तर के नीचे कबर्ड में और अलग अलग जगह पर छिपा रखा था। The whole heart was on how to make more and more money and they did it, but it's all became black money. Suddenly it became black money. और देखिए, उनका पूरा दिल इसी बात पर लगा था कि और पैसा कैसा कमाए, और जो भी पैसा था वो जो है पूरी तरह से जो है वो काला धन बन गया। And we were seeing in our place where I stay, people were leaving gunny bags full of money in front of the post office, in front of the bank. देखिए, इस तरह से मैंने देखा है जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर लोग बोरे भर भर के वहाँ पर बैंक के सामने और पोस्ट ऑफिस के सामने वहाँ पर लाइन में खड़े हैं। In the middle of the night, so nobody would see them. आधी रात को वहाँ पर बोरे लेकर आते हैं ताकि कोई न देखे। And people became from rich people to poor in one night. और बस रातों रात वहाँ पर जो अमीर से अमीर व्यक्ति थे वो तो कंगाल हो गए। But of course, our country, they'll find ways of finding loopholes and doing something else. और निश्चय हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है लोग यहाँ वहाँ से कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढते हैं कि कुछ न कुछ और अलग करते चले जाएं। And but Jesus said, where your treasure is, your heart will be there. लेकिन यीशु ने इस तरह से कहा कि जहाँ भी तुम्हारा धन होगा, खजाना, वहीं पर तुम्हारा मन होगा। Many people's hearts are on the world only and on the wealth they can collect. और बहुत से लोगों का जो दिल है वो तो केवल संसार पर लगा है और वो किस तरह से धन कमा सकते हैं इसी बात पर उनका मन लगा है। Rich towards the world, but very poor towards God. वो तो संसार के सामने बहुत ही धनी है लेकिन परमेश्वर के सामने बहुत ही कंगाल व्यक्ति है। And they are not thinking of the life ahead of them. और वो अपने आगे वाले आने वाले जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। There are many people, ऐसे बहुत से लोग हैं, who actually had an experience of death. जिन्होंने सच में मृत्यु का अनुभव किया है। And for a short time they were outside their body, the spirit left their body. और कुछ समय के लिए वो अपने शरीर से बाहर थे, उनकी आत्मा उनके शरीर से And निकल चुकी थी। And they saw what was ahead of them beyond this life. और उन्होंने देखा कि इस जीवन से परे उनके आगे जीवन में क्या है। They said many of them saw heaven. उन्होंने कहा, बहुत से लोगों ने कहा, मैंने स्वर्ग को देखा। They said such a beautiful place. वो बहुत ही सुंदर जगह है। Things that we think are so precious on this earth. और हम सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर ये सारी चीजें बहुत ही कीमती और बहुमूल्य हैं। Nothing in heaven. ये तो स्वर्ग की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। There's a joke about a man. एक मनुष्य के बारे में इस तरह से एक मजाक किया जाता है। He was a very rich businessman. एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। It doesn't happen like this. It's just a joke. ये केवल एक मजाक है, सच की कहानी नहीं है। He said he died. वो मर गया। Peter, let me take some gold with me. और उसने कहा कि चलो मैं अपने साथ थोड़ा सोना ले जाऊं। Take anything with you. कोई भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकता है। But it's just a joke. ये तो एक केवल मजाक so है। He took some gold and went to heaven. तो वो अपने साथ कुछ सोना लेकर स्वर्ग में चले at जाता the gates of heaven, the angels met him.
और स्वर्ग के फाटक पर स्वर्गदूत उससे मिलते हैं। What is in your bag? पूछते हैं तुम्हारी बैग में क्या है? You know, I bought some gold for my use here. और मैंने यहाँ पर उपयोग करने के लिए अपने साथ थोड़ा सा सोना लाया। And the angel said, "What did you bring? This is pavement stones in heaven. We walk on them." और स्वर्गदूत ने कहा, ये क्या? ये तो स्वर्ग में केवल पत्थर के जैसे, हम तो इसके ऊपर में चलते हैं। ये सोने की कीमत बस इतनी है। With gold. और स्वर्ग में जो सड़कें हैं वो तो सोने की सड़कें हैं। Dying to get some gold on this earth. लेकिन इस पृथ्वी पर हम सोना कमाने के लिए, जमाने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं। Kill people for gold. हम तो लोगों को सोने के लिए मारने के लिए तैयार हैं। Kill people for money. पैसों के लिए हम लोगों की हत्या भी कर देते हैं। You can't take anything with you. लेकिन आप अपने साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। What you can take with you is what you have done for the kingdom of God. आप अपने साथ केवल वही बातें लेकर जाएंगे जो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए की हैं, बस वही ले जाएंगे। If you have lived your life in the light of God's word, अगर आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन की ज्योति में जीते चले गए हैं, If you have fulfilled the will of God in your life, अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, If you have found the will of God and fulfilled it, आपने परमेश्वर की इच्छा पाई है और उसे पूरा किया है, उसे पूरा किया then है, you will be a rich man in heaven. तभी आप स्वर्ग में एक धनी व्यक्ति बन जाएंगे। यीशु ने इस तरह से कहा, हमने इसे पहले ही पढ़ा है। Lay up your treasures in heaven where neither thieves come nor rust comes nor moths will not corrupt. अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करो, वहां पर न कोई कीड़ा लगता है, न कोई काई लगती है और ना ही कोई उसे चुरा सकता है। Nowadays even your debit cards and credit cards are being hacked. अब देखिए, यहां तक कि आपके इन दिनों में जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं उन्हें भी हैक किया जाता है। India is now saying digital economy. देखिए, भारत में जैसे इन दिनों में कहा जाता है कि डिजिटल इकोनॉमी की बात आ रही है, कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस सोसाइटी या कैशलेस बिना नकद का समाज बनाने की बात आ रही है। डोंट कैरी मनी, जस्ट यूज योर कार्ड। आप पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं, बस कार्ड उपयोग करते चले जाएं। हैव मोबाइल वैलेट्स, और मोबाइल में ही वैलेट बनाकर रखें। पुट योर मनी इन योर मोबाइल वैलेट एंड पे विद योर मोबाइल। बस अपने मोबाइल वैलेट में पैसा रखें और अपने मोबाइल के द्वारा सारी कीमतें चुकाते चले जाएं। एवरीथिंग इज बीइंग स्टोलन बाय थीव्स नाउ। और देखिए, इन दिनों में सब कुछ जो है वो तो चोर उस पर सेंध लगाते, उसे चुरा लेते हैं। हैकिंग इज अ बिलियन डॉलर बिजनेस। अब देखा जाए तो इस तरह से किसी का बैंक अकाउंट हैक करना, ये तो करोड़ों डॉलर का व्यापार हो गया। पीपल आर बाइंग हैकिंग इक्विपमेंट ऑनलाइन फॉर थाउजेंड, ए फ्यू थाउजेंड रुपीस। और कुछ लोग तो बस कुछ हजार रुपए देकर हैकिंग इक्विपमेंट जो है ऑनलाइन खरीदते चले जा रहे हैं। एंड दे आर स्वाइपिंग योर कार्ड्स एंड कॉपिंग योर कार्ड्स। और वो तो आपके कार्ड को वहां पर स्वाइप करते हैं और आपके कार्ड्स को कॉपी बनाते चले जाती हैं। एंड दे आर एबल टू हैक योर अकाउंट्स। और यहां तक कि वो आपके अकाउंट को हैक भी कर लेती हैं। जीसस सेड, डोंट कीप योर ट्रेजर्स वेयर थीव्स कैन ब्रेक इन। यीशु ने इस तरह से कहा कि अपना खजाना वहां पर मत रखो जहां पर चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकती हैं। मोर दैट यू अक्यूमुलेट एंड कलेक्ट, द मोर टेंशन यू हैव हाउ टू प्रोटेक्ट दैट थिंग। और जितना ज्यादा आप जमा करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर में सिरदर्द रहेगा, आपके ऊपर तनाव रहेगा कि कैसे आप इसे बचा कर रख सके, कैसे आप इसे संभाल कर रख सके। मोर मनी यू कलेक्ट द मोर ब्लैक मनी इट बिकम्स, देन यू वरी हाउ मच आउट ऑफ द टाइम इनकम टैक्स विल बी आफ्टर यू। और जितना ज्यादा आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे आप उसमें से बहुत सा काला पैसा जो है कमाते चले जाएंगे, उसके बारे में तनाव रहेगा कि इनकम टैक्स से कैसा बचा जाए। मोर स्लीपलेस नाइट्स, और उसके कारण आपकी रात की नींद बर्बाद होती चली जाएगी। सी द ऑल दिस थिंग दैट यू आर डूइंग, यू आर नॉट गोइंग टू रियली हेल्प यू, द स्ट्रेस विल बी सो मच। देखिए, आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी, इसके कारण जो तनाव है जो आपके सिर पर जो है वो तो बहुत ही बढ़ता चला जाएगा। द स्ट्रेस, पीपल आर डाइंग ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स एंड सो मेनी थिंग्स। अब देखिए, इसी तनाव के कारण लोग जो है वो तो हार्ट अटैक या फिर लकवे और ऐसी बहुत सी दूसरी बीमारियों के कारण मरते जा रहे हैं। माइंड एंड हार्ट इज सेट ऑन दिस वर्ल्ड, नॉट इन ऑन हेवन। क्योंकि उनका जो मन है वो इस संसार पर लगा हुआ है, उनका मन जो है वो स्वर्गीय बातों के ऊपर या स्वर्ग के ऊपर नहीं लगा है। All the hope they have is accumulate whatever they can accumulate. बस उनके बस यही लक्ष्य रहा है कि जितना हो सके उतना बस जमा करते चले जाएं। Particularly our politicians. और यहाँ तक कि देख लीजिए हमारे राजनीतिक नेता हैं। Oh, you get that they want that post because of the money it will bring. और वो तो बस उस कुर्सी को चाहते हैं क्योंकि उसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलता चला जाता है। Hard to find honest people. ईमानदार लोग इस समय लोगों को मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। I always say there are few categories of people very difficult to go to heaven. और मैं ये कहता हूँ कि हमेशा स्वर्ग में जाने के लिए तीन तरह के ऐसे लोग हैं जिनका स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल होता है। One are politicians. और उनमें से एक है राजनीतिक नेता। Whichever position they take, they'll see how much money I can make from this position. चाहे उन्हें जो कोई भी कुर्सी मिले, जो भी पोजीशन मिले, वो यही सोचते हैं कि इससे मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। I heard about a politician. एक राजनीतिक नेता के बारे में कहा जाता है। I heard about him. मैंने उनके बारे में सुना है। If he doesn't get 1 crore in a day, he won't sleep that night. अगर एक दिन में उन्हें 1 करोड़ नहीं मिलता है तो उस रात को वो चैन से सो नहीं पाती है। All underhand. ये सब कुछ काला पैसा है जो लोगों से लेते हैं। Second group of people very difficult to get to heaven.
दूसरे समूह के लोग हैं जिनका स्वर्ग में जाना बहुत ही मुश्किल होता है, पुलिसमैन, वो है पुलिस वाले। Oh, they take so many bribes. वो तो इतनी ज्यादा घूस खाते चले जाती हैं। Few people are honest, definitely. हाँ, निश्चय उसमें कुछ लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। But in general, you any violation, you pay bribe and you get away. इस तरह से देखा जाए तो ये ऐसे समूह के लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसा खाते रहते हैं, घूस खाते रहते हैं। Yes, believers, we don't give bribes. और देखिए, हम विश्वासी लोग घूस नहीं देते, take bribes, we don't give bribes. और ना हम घूस लेते हैं ना घूस देते हैं। This another group which is very difficult to go because of the chances of making black illegal money. ये तो ऐसे समूह के लोग हैं जिनका स्वर्ग में जाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वो अनैतिक रीति से पैसा कमाते हैं। And the third group is lawyers. और तीसरा जो समूह है वो है वकील लोगों का समूह। And there also lot of false judgments just because you pay them the money they'll give you a false judgment. देखिए, उनमें भी ऐसा होता है कि बस उन्हें कुछ पैसा दे दिया जाता है तो वो झूठे को सच और सच को झूठ साबित कर देते हैं, इस तरह से झूठा न्याय करते हैं। Another group I will add is doctors. और मैं एक और समूह जोड़ूंगा उसके अंदर, वो समूह है डॉक्टर्स। Oh, they do so many wrong operations for the money. बस पैसा कमाने के लिए वो बहुत से गलत ऑपरेशन करते चली जाती हैं। And they give wrong reports and you know wrong investigations just to fool you and operate on you, make money out of you. और बस आपको बेवकूफ बनाकर, आपको ऑपरेशन करके आपसे और पैसे लूटने के लिए वो किसी भी झूठ बात को कहते चले जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन कर लेते हैं। Why do they do all this thing? वो ये सब कुछ क्यों करते हैं? Because of the love of money. क्योंकि वो पैसों से प्यार करते हैं। The Bible says, it doesn't say money is the root of all evil. It says the love of money is the root of all evil. Bible ये नहीं कहती कि पैसा सारी समस्याओं की जड़ है, लेकिन Bible ये कहती है कि पैसों का लालच जो है वो सारी समस्याओं का जड़ है। Because of that love and greed for money, they'll do all the wrong things. पैसों के लिए जो प्रेम है, पैसों के लिए जो लालच है, उसके कारण वो हर एक गलत काम करते जाते हैं। माइंड इज सेट ऑन हाउ टू मेक मोर एंड मोर मनी, द हार्ट इज सेट ऑन द मनी। और उनका दिल, उनका जो मन है, इसी बात पे लगा रहता है कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाते चले जाएं। दे आर वेरी पुअर टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड। और वो परमेश्वर के राज्य के प्रति बहुत ही कंगाल होते हैं। रिच ऑन दिस वर्ल्ड बट पुअर इन हेवन। इस संसार में वो धनी तो हैं, लेकिन स्वर्ग में वो बहुत ही कंगाल। बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग थिंग्स देयर इज नो चांस फॉर देम टू गो टू हेवन। और इन सभी गलत बातों के कारण उनके पास कोई मौका नहीं होता है कि वो स्वर्ग में जा सके। Where is your mind set on? आपका मन किस बात पर लगा है? Where is your heart set on? आपका दिल किस बात पर लगा है? As Jesus said, he said, don't set your heart on things here, but keep your treasures in heaven. Is your treasure in heaven or on this earth? जैसे उसने कहा कि अपना दिल यहाँ पर इस संसार की बातों पर मत लगाओ, लेकिन स्वर्ग में अपने लिए धन जमा करो, उस पर अपना दिल लगाओ। क्या आपका मन संसार की बातों पर है या स्वर्गीय बातों पर? Are you just on this earth? या फिर आप केवल इसी संसार पर ऐसे ही अपना मन लगा कर God will say, if all your mind is on making money, God says you are a fool. और परमेश्वर ये देखता है कि अगर आपका मन केवल पैसा कमाने के ऊपर लगा है तो परमेश्वर कहता है कि आप मूर्ख हैं। Because where you're going afterwards, you cannot take anything with you. क्योंकि जब आप ऊपर चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो अपने साथ में आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकती हैं। Why don't you set your mind on things of heaven from now on? तो क्यों ना अब से आगे आप अपना मन जो है वो स्वर्गीय बातों के ऊपर में लगाते चले जाएं। Because after this short life, we will be living everlastingly. क्योंकि इस छोटे से जीवन के बाद में आप अनंत काल के लिए जीते चले जाएंगे। It is wise to plan for your future, not on just the temporary thing, but for the permanent thing. It's wise to plan. ये तो सच में बुद्धिमत्ता की बात है कि भविष्य के बारे में आप सोचते चले जाएं और अभी के बारे में, थोड़ी सी बातों के बारे में ना सोचें। First of all, you have to think of those things. You have to be a member of God's kingdom. और निश्चय इन सारी बातों के लिए सोचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन जाएं। Otherwise, your mind only will be on these things. नहीं तो फिर आपका मन केवल इन्हीं बातों पर लगा रहेगा। But when you become a child of God, जब आप परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, आप बदल जाते हैं। Your mind will change. आपका मन बदल जाएगा। Heart will change. आपका दिल बदल जाएगा। Interest will change. आपकी जो दिलचस्पी है वो बदल जाएगी। And you will not be running after these things which will not last forever. और आप इन चीजों के पीछे नहीं भागेंगे जो कि हमेशा के लिए नहीं रहती। You will look, start looking for things which are lasting. लेकिन आप उन चीजों को देखते चले जाएंगे जो हमेशा बनी रहती है। Why don't you take that first step? क्यों ना आप इस पहले कदम को अभी आज उठा ले। Get yourself into the kingdom of God. आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य में रखें। Come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास He died for you. वो आपके लिए मरा। He shed his blood for you. उसने अपना लहू आपके लिए बहाया है। He paid the price for your sins. उसने आपके पापों के लिए दाम चुकाया है। He gave his life so that you can have life. उसने अपना जीवन दिया ताकि आप जीवन पा सके। Give your life to him. अपना जीवन आप उसे सौंप दे। Let him change you. वो आपको बदल दे। Let him give you a new mind. और वो आपको बिल्कुल नया मन दे। And let him give you a new heart. और वो आपको बिल्कुल नया हृदय दे। Why don't you pray with me? क्यों ना मेरे साथ ये प्रार्थना कर ले? With true repentance. सच्चे पश्चाताप के साथ ये प्रार्थना कीजिए। Turn away from all these things. और इन सारी बातों से आप फिर जाएं। Turn your heart to Jesus. अपना दिल यीशु मसीह की ओर लेकर आएं।
मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह, आई रिपेंट ऑफ माय सिन, मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूं। आई हैव डन मेनी थिंग्स अगेंस्ट यू, मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत कुछ गलत किया। आई हैव डन लॉट ऑफ चीटिंग एंड डिसीविंग एंड द फॉल्स थिंग्स, मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया है, मैंने बहुत से गलत काम किए हैं प्रभु। आई रिपेंट, मैं उससे पश्चाताप करता हूं। टर्न अवे फ्रॉम देम, और उनसे फिर जाता हूं प्रभु, यू लॉर्ड जीसस, और तेरी ओर आता हूं प्रभु। आई बिलीव दैट यू आर द सन ऑफ गॉड, मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। दैट यू डाइड फॉर माय सिन, और तू मेरे पापों के लिए मरा। दैट यू रोज अगेन, और तू फिर से जी उठा। कम इनटू माय हार्ट लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। मेक मी योर चाइल्ड, और मुझे अपनी संतान बना। आई विल फॉलो यू, मैं तेरे पीछे चलूंगा। आई विल वॉक विद यू, मैं तेरे साथ चलूंगा। ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ, मेरे पूरे जीवन भर। इन जीसस नेम आई प्रे, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमेन। आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इस विषय को हम आगे देखते चले जाएंगे। हाउ वी कैन कीप आवर आईज ऑन थिंग्स ऑफ हेवन, कि हम अपनी दृष्टि को कैसे स्वर्गीय बातों पर लगाकर रख सकते हैं। एंड आवर हार्ट एंड माइंड कैन बी सेट ऑन थिंग्स अबव, और हमारा दिल जो है वो तो स्वर्गीय बातों के ऊपर में लगा रह सकता है, बना रह सकता है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।